भाजपा की सपा वाले वीडियो पर बोले अखिलेश यादव, जनता को असली मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए किया। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि शहरों की समस्या भाजपा की देन है। लखनऊ, कानपुर, वाराणसी और आगरा सहित बड़े शहरों में भाजपा के मेयर रहे हैं। भाजपा ने स्मार्ट सिटी को लेकर प्रदेश में कोई काम नहीं किया है, इसके नाम पर केवल भ्रष्टाचार हुआ है। राजधानी तक का हाल बेहाल है। अयोध्या में मेयर का टिकट इसलिए भाजपा ने काट दिया क्योंकि वहां जमीन की रजिस्ट्री में गड़बड़ी के आरोप है। सपा अध्यक्ष ने मंगलवार को निकाय चुनाव के लिए मतदाताओं के नाम एक अपील भी जारी की, असली मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए किया। सपा मुखिया ने मंगलवार को पत्रकार वार्ता में कहा कि मेरे गाने को एडिट कर भाजपा ने जो गाना जारी किया है वह केवल जनता को असली मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए किया है। स्मार्ट सिटी में 24 घंटे जलापूर्ति, 24 घंटे बिजली, गरीबों के आवास, नागरिक सुरक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा, गरीबी और बेरोजगारी से ध्यान हटाने के लिए भाजपा यह सब खेल कर रही है। प्रदेश में पूरा सिस्टम फेल। सपा अध्यक्ष ने उमेश पाल और अतीक वाशप हत्याकांड के सवाल पर कहा कि यूपी में कानून व्यवस्था फेल है, प्रदेश में पूरा सिस्टम फेल हो चुका है। उन्होंने कहा कि शहरों के पार्कों को भाजपा ने बर्बाद कर दिया है। गोमती नदी में गंदे नाले गिर रहे हैं। लखनऊ समेत बड़े शहर जाम से जूझ रहे हैं। लखनऊ में ही कूड़े से बिजली बनाने की एक परियोजना लगाई गई है, लेकिन आज तक उससे बिजली नहीं बनी। अखिलेश ने कहा कि सरकार ने ट्रैफिक अवस्था सुधारने के लिए दो बार बैठक की, लेकिन कुछ भी सुधार नहीं हुआ। उन्होंने सवाल किया, सरकार ने यातायात प्रबंधन, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, लखनऊ मेट्रो, कानपुर मेट्रो, आगरा मेट्रो को क्यों आगे नहीं बढ़ाया? केवल बजट की लूट व बंदरबांट हुई है। भाजपा ने सिर्फ धोखा दिया है। इस मौके पर लखनऊ की मेयर प्रत्याशी वंदना मिश्रा भी उपस्थित थी। मुख्यमंत्री बताएं कितने मुकदमे वापस लिए। अखिलेश ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी बताएं उन्होंने अपने कितने मुकदमे वापस लिए, इनमें कितने मुकदमे दंगे के थे, यह बात जनता को उन्हें बतानी चाहिए थी। निष्पक्ष चुनाव को लेकर कहा कि सरकार का प्रयास होगा निष्पक्ष चुनाव न हो, लेकिन इस बार जनता को जागरूक रहना होगा।